एक्सपर्ट्स का मानना है कि थिएटर खुलने के बाद भी दर्शक वहां जाने से डरेंगे, जिस कारण फिल्में वैसी कमाई नहीं कर पाएंगी जिसकी उम्मीद उनसे की जाएगी। ऐसे में हर कोई अब बड़े स्टार की तरफ देख रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि ए-लिस्ट एक्टर्स ही दर्शकों को सिनेमा घरों में वापस ला सकते हैं, जिनमें से एक अक्षय कुमार है, जिन पर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने लगभग 1500 करोड़ का दाव लगाया है। अक्षय कुमार के पास 8 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनका ऐलान किया जा चुका है। इनमें से कुछ पूरे हो गए हैं और कुछ पूरे होने की कगार पर हैं। तो आइए आपको अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म और वेब सीरीज के बारे में बताते हैं। लक्ष्मी बॉम्ब। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब तमिल फिल्म कंचना का ऑफिशियल रिमेक है, जिसमें उनके साथ कियारा आडवाणी भी नजर आएंगी। इस फिल्म को मेकर्स कोरोना वायरस की वजह से सीधे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 9 नवंबर को रिलीज कर रहे हैं। सूर्यवंशी। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की आने वाली फिल्म सूर्यवंशी डायरेक्टर रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स का हिस्सा है। ये फिल्म 24 मार्च 2020 के दिन थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये अभी तक थिएटर्स में दस्तक ही नहीं दे पाई है। कोरोना काल खत्म होते ही ये फिल्म ऑडियंस के सामने होगी। पृथ्वीराज। यशराज बैनर के अंडर बन रही फिल्म पृथ्वीराज एक पीरियड ड्रामा है, जिसमें अक्षय कुमार राजस्थान के शूरवीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान का रोल निभाते दिखेंगे और अक्षय के इस फिल्म से एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर बॉलीवुड में कदम रखेंगी। बेल बॉटम। अक्षय कुमार इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म बेल बॉटम की शूटिंग स्कॉटलैंड में कर रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ वाणी कपूर, लारा दत्ता, कृति कुलहरी और हुमा कुरैशी जैसी एक्ट्रेसेस भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बेल बॉटम में अक्षय कुमार एक जासूस का रोल निभाते दिखेंगे। अतरंगी रे। डायरेक्टर आनंद एल राय के डायरेक्शन में बन रही अतरंगी रे में अक्षय कुमार के साथ साथ सारा अली खान और धनुष भी नजर आएंगे। ये एक रोमांटिक ड्रामा है जिसमें अक्षय कुमार एक्सटेंडेड कैमियो में दिखेंगे। बच्चन पांडे। डायरेक्टर साजिद नडियाडवाला के बैनर तले बन रही बच्चन पांडे एक साउथ फिल्म का रीमेक है, जिसमें अक्षय कुमार एक राउडी इंसान का रोल निभाएंगे। और आपको बता दें कि इस फिल्म में कृति सेनन नजर आएंगी। रक्षाबंधन। अक्षय कुमार ने कुछ दिनों पहले ही रक्षाबंधन नाम की फिल्म का ऐलान किया, जो कि एक फैमिली ड्रामा फिल्म है। रक्षाबंधन में अक्षय कुमार भाई बहन के रिश्ते की कहानी दर्शकों के सामने पेश करेंगे। दी एंड। अक्षय कुमार के खाते में 7 जबरदस्त फिल्मों के साथ साथ दी एंड नाम की एक शानदार वेब सीरीज भी है, जिसे Amazon Prime Video पर रिलीज किया जाएगा। इस वेब सीरीज का ऐलान काफी समय पहले हुआ था, लेकिन अभी तक इसकी शूटिंग शुरू नहीं हुई है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।